कौन था वो जिसने दधीची ऋषि की हड्डियों से बने धनुष को भी तोड़ दिया? धनुष जो है वो जब कंचा खींची जाती है तो लच जाता है, माने मोल हो जाता है। जब प्रत्यंचा नहीं खींची जाती है तो फैल जाता है। तो ऐसा पुरुषार्थी शरीर जब उस पर श्रीमत की प्रत्यंचा चढ़ी हुई होती है और श्रीमत की तरफ खींचा जाता है तो उसमें मोल्डिंग पावर आ जाती है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ रूपी धनुष। और दधीच ऋषि की हड्डियों से बने हुए धनुष को कहते हैं राम ने तोड़ दिया। दधीची ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ से भी तीखा पुरुषार्थ किसने किया? राम वाली आत्मा ने किया। जो ब्रह्मा का शरीर था वो तो फिर भी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा था, राम वाली आत्मा का तो अंतिम जन्म में शरीर भी लुंजम पुंजम भजगोविंदम। मिसाल दिया है जगन्नाथ और श्रीनाथ का। श्रीनाथ को 36 प्रकार के भोजन खिलाते हैं, उनके पेट में कुछ नहीं होता, सब पचा जाते हैं। और जगन्नाथ को अगर अच्छा अच्छा भोजन खिलावे तो उनके पेट में दर्द ही हो जाए।